नाश्ता तो कर लिया, लेकिन नहाने से पहले गाड़ी वॉश करा कर आ जाते, क्योंकि अगर बाद में मैं पूरा जैकेट पहनकर बाद में वॉश कराऊंगा तो मुझे मे भी शायद से वहां पर रुकना भी पड़ेगा, बहुत भीड़ होता है, और वहां पर रुककर फिर जैकेट में मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी भी होगी, ऑलरेडी घर के अंदर ही इतनी गर्मी हो रही है। तो साथ में मैं टॉप बॉक्स भी लेकर जा रहा हूँ, टॉप बॉक्स वैसे ऑलमोस्ट साफ ही है, बट इसे भी थोड़ा धुलवा देंगे, जब पैसा दे रहे हैं गाड़ी धोने तो सोचा इसको भी अच्छे से धुलवा देते हैं। गाड़ी वैसे ऊपर से इतनी गंदी नहीं है, बट जहाँ पर टायर है, जहाँ पर मशीन है, वो साइड बहुत गंदगी हुई है, क्योंकि जो रिसेंटली राइड था बारिश आई थी, और वो फर्स्ट बारिश थी, तो फर्स्ट बारिश की वजह से बहुत धूल मिट्टी सब कुछ आया। घर पर मैं यहाँ पर धो सकता था, बट अगेन वो स्प्रे जेट चाहिए वो पूरा अच्छे से मिट्टी निकलने के लिए, तो वो तो है नहीं मेरे पास, तो वो वॉशिंग सेंटर वाले ही प्रॉपर साफ करेंगे। तो चलते फटाफट वॉशिंग करा के आ जाते, उसी के साथ पेट्रोल भी भरा कर आ जाएंगे। सबसे पहले पेट्रोल भरा लिया, क्योंकि हाईवे के साइड आता है ना, तो मैंने सोचा पहले हाईवे का जो काम है वो करा लेते हैं, अब टेंशन नहीं, अब आराम से गाड़ी धोकर फिर घर पे निकलेंगे। इसको देखिए कैसा वेट कर रहा है मेरा, जैकेट पहनकर हो गया, बस जिप लगाना है, और ये बहुत टाइम से ऐसे दरवाजे के बाहर वेट कर रहा है मेरा, ताकि उसको ऐसा लग रहा है कि वो उसको भी मैं लेकर जा रहा हूँ, वो भी राइड पे चल रहा है मेरे साथ। तू नहीं चल रहा है बाबू, तू बैठ जा, नेक्स्ट टाइम फिर कभी जाएंगे, ओके। गाड़ी भी ऑल सेट, अर्जुन को यहाँ पर रखा, एक्चुअली सुबह धोने के बाद मुझे यहाँ पर पार्किंग मिली नहीं ये साइड को, तो मैंने ये साइड को लगा दी। तो रेनकोट भी रख दिया है, ये ऊपर का जैकेट है, और ये जो नीचे है ये पैंट, तो इसे भी रख देते, कुछ कैप, कुछ कपड़े, और ये हेयर बैंड। भाई दीवे आज पापा भी उठ गए जल्दी, पापा ऊपर से देख रहे, मम्मी भी है, बट मम्मी खिड़की के जैसे दिख रही नहीं। तो चलिए राइड को स्टार्ट करते हैं। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, लेट्स गो। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, आई होप यू एंड योर फैमिली आर डूइंग गुड। तो अभी बज रहे सुबह के 11:33, आधा घंटा लेट हूँ, मुझे 11 बजे निकलना था, बट एक छोटे से काम की वजह से थोड़ा लेट हो गया। जो टॉप बॉक्स में मैंने YouTube का नाम लिखा है, मेरे चैनल का नाम लिखा है, उसमें से जो मेरा नाम का लेटर है, राहुल का, राहुल में से जो H है वो वॉशिंग के टाइम पे निकल गया था, मतलब इतना प्रेशर था कि वो H निकल गया। अच्छा हो मैंने ध्यान दिया, तो उन्हें बोला थोड़ा दूर से मारो और कम प्रेशर में मारो, तो बच गया, नहीं तो और भी स्टिकर निकलते थे और टाइम जाता था। तो वो एक H लिखने में मुझे शॉप पे जाना पड़ा, वहाँ पर थोड़ा रुकना पड़ा, वहाँ पर टाइम गया, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया, बट कोई नहीं, लेट तो लेट बट निकल तो गए। बाय द वे मेरा बियर्ड और मुस्टेज इतना बढ़ गया कि ना पसीना अभी से शुरू हो गया है, जस्ट मैं घर से निकला, 2 मिनट हुआ घर से निकल के, और पूरा पसीना पसीना लग रहा है। आदत नहीं है ना, वैसे तो मुझे इतना बियर्ड आता नहीं है, इतना मुस्टेज आता नहीं है, बट जितना भी आया अभी कैसे इस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि मैंने कट नहीं किया, तो थोड़ा सा गर्मी गर्मी हो रहा है, बहुत पसीना हो गया, बट ठीक है, अभी पिछले 2-3 दिन से बारिश आई है, तो फिर इतना भी गर्मी नहीं हो रहा, थोड़ा कम हो रहा है, बट हो रहा है। वीकडेज में राइड करने का मज़ा ही कुछ अलग है, देखिए कितना मस्त खाली रहता है, कुछ टेंशन नहीं, इजिली जाओ, गाड़ी को एवरेज भी अच्छा मिलता है, और जब गाड़ी चलती रहती है ना तो ज़्यादा गर्मी नहीं होता, एकदम स्मूथ अच्छा लगता है। अभी नवी मुंबई में यहाँ पे तो ठीक है, अभी थोड़े देर में जब मुंबई लग जाएगा तब थोड़ा सा मुसीबत होगा, मतलब बहुत ट्रैफिक मिलेगी वहाँ पर। बाय द वे आज का जो राइड है वो 100 to 120 किलोमीटर का ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं, तो चलिए देखते कहाँ जा रहे हैं हम। ये जो दिख रहा है ये देखिए, एकदम टॉप में मंदिर है, वो भी गोल्डन कलर में पेंट किया, वाव, यही हमारे लिए यहाँ का नज़दीक गोल्डन टेम्पल है, बहुत सही है यार। मैं यहाँ पर गया नहीं हूँ, एक्चुअली ये साइड को गया, बट यहाँ पर नहीं गया हूँ, तो यहाँ पर ज़रूर जाऊँगा, देखते कब जाते हैं। वैसे जाने के लिए रास्ता 2 है, एक यहाँ से सीधा भी जा सकते हैं, और आपको याद होगा जब मैं मुंबई जा रहा था तो मैंने ये वाला रास्ता लिया था ऐसा, तो जो मुंबई वाले हैं वो ऐसा आ सकते हैं, तो मुझे ये वाले रास्ते में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से सीधा निकलूँगा, क्योंकि यही सबसे बेस्ट है, अगर यहाँ से जाता तो गलत रास्ता हो जाएगा, आगे जाके मेरे को ऐसे ही आना पड़ेगा। जैसे नवी मुंबई छोड़ा और ट्रैफिक शुरू, देखिए बाप रे कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, अब यहाँ से कब तक निकलेंगे क्या पता। भाई राम यहाँ पर तो सिर्फ ट्रक ही ट्रक है, बहुत बड़े बड़े है, देखिए 1, 2 आगे 3, मेरे पीछे भी 5-6 तो चले गए क्रॉस होकर,
हो भाई, और इतने ट्रैफिक में ये बंदे को देखिए, यहाँ पर भी उल्टा आ रहा है, क्या ही बोलने का अब। ये देखिए, ओ भाई साहब खतरनाक ट्रैफिक है। अरे बाबा कितना ट्रैफिक, जस्ट 2 किलोमीटर के ट्रैफिक से मैं बचकर आया हूँ, अब वापस यहाँ पर ट्रैफिक लग गए। यहाँ पर तो वैसे सिग्नल है बट हाँ वही ट्रैफिक तो लग रहा ही है। ओहो फुल ऑफ रोडिंग हो रहा है। यार कल ही पूरा सेटअप ठीक करवा के आया था, फिर भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। अगर ऐसा राइड पे प्रॉब्लम होगा तो कैसे चलेगा? ये मिरर बार बार आगे जा रहा है, मुझे ऐसा पीछे पीछे करके सेट करना पड़ रहा है। स्लिप हो रहा है अभी भी, नीचे क्लिप लगाया है फिर भी स्लिप हो रहा है। पता नहीं, शायद से पूरा एकदम परफेक्टली टाइट नहीं किया है, इसके वजह से हो रहा होगा। अब कहीं पे रुकने के बाद मैं ही ठीक करने को देखूंगा। अगर नहीं हुआ तो एक ही ऑप्शन है, सेटअप मुझे हटाना पड़ेगा। क्योंकि कैसा है ना, ये मैंने खुद से सेटअप का प्लान रखा था और 2-3 बार अब तक प्रॉब्लम आ गया है। तो कैसे, अगर 2-3 बार प्रॉब्लम आते हैं तो हम फिक्स करने को देखते हैं, ट्राई करते हैं उसको, कुछ तो कुछ करें जुगाड़ में, बट फिर भी नहीं हो रहा तो इट्स बेटर कि निकाल ही दो। तो अब देखते हैं, सिर्फ ये वाला नहीं, दोनों आईना थोड़ा हिल रहा है तो मुझे बार बार ऐसा सेट करना पड़ रहा है, और ऐसा राइड के बीच में ऐसा करना पड़े तो बहुत दिक्कत होती है। अभी तो ठीक है, चलो एकदम खाली रोड है, प्लेन रोड है, बट हाँ कहीं पे ट्रैफिक होता है, कहीं पे गाड़ी बीच में आती है तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है। और ये जो प्रॉब्लम है ना, बार बार नहीं आ रहा है। जहाँ पर थोड़ा खड्डा वाला रोड है, थोड़ा ऑफ रोड है, वहाँ पर गाड़ी वाइब्रेशन होने के वजह से थोड़ा लूज़ हो रहा है वो आईना, और फिर बाद में मुड़ जा रहा है, तो इसलिए मुझे बार बार सेट करना पड़ रहा है। और ये आ गया आयरोली वाला टोल। आज तो टोल में भी भीड़ है और अब भी जस्ट ब्रिज में भी बहुत ही ज्यादा भीड़ था। ये देखिए बाइक वाले को भी रुकना पड़ रहा है। एक्चुअली जो 2-व्हीलर्स होते हैं वो साइड से कंटिन्यू जाती रहती है, रुकना ही नहीं पड़ता है। अरे रे रे, पुलिस लोग बहुत ज्यादा है, पकड़ रहे सबको। आंटी देखकर चलाओ, आपने मेरे गाड़ी को ठोका है, आपको पता ही नहीं चला, जरा आराम से चलाओ साइड से। आंटी इतना फास्ट निकल रही है, आंटी को खुद पता नहीं चल रहा क्या किया है। अभी हम लोग ट्रैफिक में रुके थे, आंटी मेरे बाजू से निकली, आंटी ने ठोका, आंटी को पता चल गया होगा, बट आंटी भगाने पे लगी है ताकि मतलब मैं आंटी तक नहीं आऊँ, कुछ बोलूँ नहीं, बट आंटी ने मेरे गाड़ी को साइड में ऐसा ठोका ना, मतलब मैं हल्का सा हिल गया था। गाड़ी को तो वैसे कुछ हुआ नहीं, मैंने उतर के तो देखा नहीं, बट ऐसा देखने में लग रहा है कि गाड़ का हमारा क्रैश हुआ। ओ भाई, आज सुबह भी एक साइकिल वाले ने मुझे ठोका था, बेवड़ा था, दारू पी के आया था, सुबह 10 बजे दारू पिया भाई ने और मेरे साइकिल को ठोक दिया, वो भी खानदा कॉलोनी में ही, मार्केट के पास ही। बट कैसा है, साइकिल था, ज़्यादा ज़ोर से ठोका नहीं इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं, और बुड्ढे भी थे वो, प्लस दारू भी पिया था, मैंने बोला कहाँ मैं इतना टाइम वेस्ट करूँ, तो वहाँ पर मैंने कुछ नहीं बोला। बट ये आंटी ने तो स्कूटी थोड़ा ज़ोर से ठोका था, जो कि मुझे सही और अच्छा नहीं लगा, तो मैंने सोचा बोल देता हूँ आंटी को। अरे यार, मुझे नीचे वाला रास्ता लेना चाहिए था, गलत ले लिया। वाह, इधर और एक राइडर मिल गए और दोनों ने मस्त हेलमेट पहना है। मुंबई साइड में जैसे मैं आया, यहाँ पर बहुत सारे जन दिखे जिन्होंने, इंडियन वालों ने भी हेलमेट पहना है, काफ़ी अच्छा लगा देखकर। अरे यार गूगल मैप ये मुझे कौन से गली में लेकर आ गया, गूगल ताई कहाँ जाऊँ मैं, यहाँ पर भी इतना सारा भीड़ है, क्या करूँ तो क्या करूं। गूगल ताई अच्छा सा रोड बता दीजिए जहाँ पर ज़्यादा भीड़ ना हो, परेशान हो गया मैं तो अंदर से पूरा भीग चुका हूँ। हा, यहाँ पर आने के बाद कितना मस्त लग रहा है, झाड़ी झाड़ और एकदम मस्त ठंडा लग रहा है। अरे यार कितने छोटे बच्चे लोग जा रहे हैं, इसे देखिए रोड पे चल रही है, मम्मी नहीं कोई नहीं कोई भी नहीं, ये देखो उसे तो वो तो भागते जा रही है। साइड हो जाओ, साइड में रहो, साइड में
आज के लिए बस इतना ही, ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड माई राइड टूडे, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आगे का जो भी है आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, तो चलिए बाकी का नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन भी दबा देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।